आज आप करन जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। हुण फ्रैक्शनल नंबर अपने को की होंदे हैं जो फ्रैक्शन विच होण। फ्रैक्शन किस तरह होंदा है, जिस दे विच ओवर विच कोई नंबर है तो उसनों आपां की कहना है फ्रैक्शनल नंबर, तो इसनों आपां किस दे विच चेंज करना है परसेंट दे विच। तो आओ इस दी स्टेटमेंट पहला पंजाबी विच पढ़ते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन नूं आपां सोल्व करांगे। पंजाबी विच स्टेटमेंट इस तरह जी, हेठां लिखियां भिन्नां नूं प्रतिशत विच बदलो। तो ये अपने को चार भिन्ना हैं, इन्हों चार भिन्ना आप करना है प्रतिशत। प्रतिशत आप इंग्लिश में कह देने हैं परसेंट विच आप बदलना है। तो आओ देखते हैं कि इस क्वेश्चन आप किस तरह ईजी वे सॉल्व कर सकते। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन के आपको फ्रैक्शनल नंबर दिता हुआ है तो उसको परसेंटेज या प्रतिशत में चेंज करना है। तो सब तो पहले आपको परसेंट या प्रतिशत का मतलब पता होना चाहिए है। परसेंट का मतलब होंगे पर हंड्रेड, या प्रतिशत का मतलब होंगे पर हंड्रेड। शत का मतलब इतने हंड्रेड है, इतने सेंट का मतलब हंड्रेड है। तो परसेंट या प्रतिशत का जो साइन है वह ए वाला साइन होंगे है। जो आप चीज की प्रतिशत या परसेंट करते हैं तो लास्ट में आप साइन लगाना होंगे है। हूँ इसनों किसी भी नंबर, किसी भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर है उसमें परसेंटेज में चेंज किस तरह करना है, उसनों क्योंकि यह पर हंड्रेड है उसनों हंड्रेड के नाल आपां मल्टीप्लाई कर देना होंगे है। तो हूँ इसका अपने को हल की आएगा कि इसका सोल्यूशन आएगा 1/8 × 100। तो हूँ आप देखना कि उपर नीचे जो कटिंग होंगी तो इसकी कटिंग कर देनी है। हूँ जिस तरह 8 ते 100 2 के टेबल में इसकी कटिंग हो जाएगी, तो ये अपने को कितना आ जाएगा 50/2 50/2, फिर 2 के टेबल में 50 की भी कटिंग हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा अपने को 25। इट मीन जो अपने को आंसर आ गया है वह कितना आ गया है 25% या परसेंट या प्रतिशत, 25% या 25%। तो आओ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट आपने कहा जी 5/4 इसको आप परसेंट या प्रतिशत में चेंज करना है। तो 5/4 × 100 लगा देना है। हूँ इसकी पहले 2 के टेबल कटिंग करांगे 50 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल में कटिंग कर दो 50 की 25। तो 25 हूँ आप 5 के नाल की करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 5 के नाल गुणा करांगे 125। इट मीन ये अपने को कि आ गया 125% या 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह जी 3/40 × 100। पहले 0 ना 0 कैंसल कर दो, ये अपने को जाएगा 3/4 × 10। हूँ 2 से कटिंग कर देने इसकी, ये आ जाएगा 15/2। हूँ जो आप इसको डिवाइड करते हैं 15/2 में, ये कि आ जाएगा 2/7 × 14 1.0, 2/5 × 10। इट मीन ये अपने को आ जाएगा 7.5% या 7.5%। नेक्स्ट पार्ट अपने को है 2/7 × 100। इस दिन ऊपर नीचे अपने को किसी भी तरह कटिंग नहीं हो रही, 2 की 7 नहीं कटिंग हो गई, 100 नाल 7 की कटिंग नहीं हो रही है। तो ये अपने को फिर आप ऊपर इस दे नीचे 1 लगा लो, ऊपर ऊपर दे नाल मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली टर्म नीचे वाले टर्म नंबर नाल मल्टीप्लाई कर देना है। तो हूँ इसको आप डिवाइड करते हैं 7/2 × 14, ये अपने को आ जाएगा 6/7/8 × 56। 4 आ जाएगा पॉइंट, इतने 0 लग जाएगा, 7/5 × 35, फिर 5 आ जाएगा 0, 7/7 × 49, 7/7 × 49। इसको पॉइंट तो बाद आप 2 तक ही लेना, इसको ज़्यादा नहीं आप लेना। इट मीन ये कि आ जाएगा 28.57%। तुम्हें यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लग गए होंगे, मैं काफ़ी ईजी वे ना करवाने की कोशिश की है। जेकर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर देना, बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद।